काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मेरे पास है पोको M2 Pro और इसे मैंने सेल में परचेज किया है 12,600 रुपए। अभी अगर आप इसका प्राइस देखोगे फ्लिपकार्ट के ऊपर तो आपको मिलेगा ये 15,000 के आसपास ये आ रहा है, लेकिन सेल में इसका प्राइस था 14,000 और उस समय एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड का ऑफर यूज करके मैंने इसको अल्टीमेटली 12,600 में परचेज किया है, जो कि 6GB 64GB वर्जन है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं इसके बॉक्स पैकेजिंग के अंदर क्या कुछ आता है, साथ ही साथ इसका रिव्यू करने वाले हैं। हम लोग अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। पैकेज जो फ्लिपकार्ट से आ रहा है कुछ इस तरह का पैकेट आएगा। ये आ गया पोको M2 का बॉक्स, जो कि पोको M2 Pro है 6GB 64GB वर्जन। हम लोग फटाफट बिना देर किए हुए बॉक्स को भी ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे इंडिया हैशटैग नंबर वन क्वालिटी स्मार्टफोन बैंड। तो इंडिया में जितने भी कुछ स्मार्टफोन कंपनी है, चाहे वो रियलमी हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, चाहे वो पोको है, सब कोई कंपनी इंडिया का नंबर वन ही कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसके अंदर हम लोग देख लेंगे क्या है। तो इसके अंदर एक TPU केस आता है जो कि कंप्लीटली वाइट है, तो कुछ दिनों के बाद इसमें भी येलो शेड लग जाएगा। सिम इजेक्टर टूल आपको मिल जाता है इसमें। इसके बाद फोन को हम लोग साइड में रखते हैं, बाकी देखते हैं डब्बे के अंदर और क्या कुछ आता है। तो हाँ, इसमें चार्जर भी आता है। आजकल तो मोबाइल कंपनी चार्जर भी नहीं देता है, लेकिन पोको, थैंक्स टू पोको कि उसने चार्जर और यहाँ पे केबल भी प्रोवाइड कर रहा है, तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है। और ये आप लोग देख सकते हो USB-C टाइप चार्जर है एंड फोन। तो फाइनली अब हम लोग फोन को भी खोल लेते हैं। तो फोन काफ़ी अच्छे से एक प्लास्टिक के अंदर है और ये आप लोग देख सकते हो इसका फर्स्ट लुक। तो फर्स्ट लुक जो है फोन का आप लोग देख सकते हो, काफ़ी अच्छा आपको ग्लॉसी फील दे रहा है। और ये आपका ग्लास ही है, मतलब ये कम्प्लीट ग्लास बैक का एक फ़ोन है। ऊपर एक स्टिकर लगाया हुआ है और फ्रंट में आप लोग देख सकते हो। इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। यहाँ पे है फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस। नीचे आपको स्पीकर मिल जाता है, माइक मिल जाता है USB-C टाइप, और इसमें 3.5mm हेडफोन जैक भी है। ये काफ़ी एक प्लस पॉइंट होता है फ़ोन का। तो ये दोस्तों एक डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड के साथ आप लगा सकते हो, मतलब डुअल सिम लगेगा और एक SD कार्ड भी आप इसमें लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डेडिकेटेड स्लॉट के साथ ये आता है। तो कम्प्लीटली सेट करने के बाद ये आपका जो फर्स्ट होम स्क्रीन है उसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। और जबकि अगर हम लोग कुछ डार्क थीम यूज करेंगे तो इसमें आपका जो ये यहाँ पे पंच होल है वो आपको दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका कैमरा है जो कि आपको दिखेगा नहीं, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे कोई वाइट थीम लगाएंगे वो ऑटोमेटिकली आपका विजिबल हो जाएगा। तो हम लोग एक दूसरा थीम यहाँ पे भी लगा के इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे ही वाइट आ जाएगा तो आपको वो पंच होल दिखेगा, लेकिन अगर यहाँ पे आपका डार्क बैकग्राउंड के साथ आप कोई भी वॉलपेपर लगाओगे तो ये आपको नहीं दिखेगा। तो टच जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको स्मूथ इंटरफेस मिलता है, क्योंकि इसमें 720G है, तो कहीं ना कहीं ये आपको काफ़ी अच्छा फास्ट रिस्पॉन्स मिलता है। तो कोई लेकिन इसका आपको मौका नहीं मिलेगा इससे। तो ये बहुत सारे इसके साथ प्लस पॉइंट भी है, लेकिन दूसरे और फोन से ये काफ़ी आपको थोड़ा मोटा या तो हैवी वेट का लग सकता है, लेकिन जैसे ही आप इसको कुछ दिन यूज़ करोगे आप इसके साथ यूज टू हो जाओगे। मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन कर रहा हूँ वन प्लस सिक्स के साथ। तो आप लोग देख सकते हो वन प्लस सिक्स का जो, और ये थोड़ा उससे मोटा है और वेट में भी भारी है। साथ ही साथ अगर हम लोग लेंथ की बात करें तो लेंथ में भी कहीं ना कहीं आपका पोको जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हाइट का आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे वो चीज़ थोड़ा सा है, बाकी हाथ में ये धीरे धीरे एडजस्ट होगा। साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो एग्जैक्टली सेम लोकेशन पे है, तो आप डायरेक्टली इसमें हाथ तो नहीं पहुँचेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा, जनरली हम लोग हाथ फोन को ऐसे पकड़ते हैं, लेकिन यहाँ तक आपका अगर छोटा हैंड होगा
तो यहाँ तक ये नहीं पहुँच पाता है। तो ये एक छोटा सा इशू है जो कि धीरे धीरे एडजस्टेबल है, धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे इसको यूज़ टू करेंगे वो आराम से काम करना शुरू हो जाएगा। तो इस फ़ोन के रिगार्डिंग मेरा जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें नोटिसेबल है। फर्स्ट थिंग, इसका जो कैमरा बम्प है, दूसरे फ़ोन के कंपेरिजन में इसका कैमरा बम्प जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। इसमें जो पंच होल लगा हुआ है वो काफ़ी अच्छे जगह पर प्लेसमेंट है, वो काफ़ी बड़ा है, उतना छोटा नहीं है जैसे 2020 फ़ोन में आता है। लुक वाइज अगर फ़ोन को देखा जाए तो किसी भी एंगल से ये आपको 12,400 का फ़ोन नहीं लगेगा, आपको समहाउ ये फील देगा 25,000 to 30,000 का फ़ोन जिस एंगल से बना हुआ रहता है वैसे ही। बाकी अगर इस फ़ोन के रिगार्डिंग आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कुछ दिनों के बाद मैं इसका यूज़ करने के बाद इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, आखिर इसका परफॉर्मेंस कैसा है, कैमरा कैसा है और बाकी सारे चीज़ कवर करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।